से हमारे मुन्ना को कोई खतरा तो नहीं है ना? अब मुन्ने की सारी शक्तियां मक्षिका के पास सुरक्षित है। थैंकफुली ये लड़की भी अपने घर पहुंच गई, वो भी सही सलामत। लेकिन बाकी लड़कियों की तरह इसके साथ भी क्या हुआ ऐसे कुछ भी याद नहीं है। मतलब ये भी हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, और वैसे भी साबी जी जरूरत भी नहीं था हम लोगों को इनका, क्योंकि आपने तो पहले ही वो डायन ट्री में ईयरफोन लगा के सब कुछ पता कर लिया कि वो पन्ने में लिखा कहाँ है। हाँ मुझे पता है, उस पेज पे लिखा था कि राक्षस की सबसे बड़ी ताकत राक्षस कील होती है, और हमारे पास तो वो है ही नहीं। कि राक्षस कील का होता है ये नया नमूना कहाँ आ गया फ्रेम के अंदर? अब पता नहीं, पर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, शायद कुछ खोलने के काम आता है। खुलता है? ए सुनो सावी जी, देखो हमको तुम ज्यादा कंफ्यूज मत करो। कील है या चाबी है, क्लियर बताओ। कहा ना मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि राक्षस कील कैसी दिखती है? कहीं वो ये तो नहीं है? पंडित जी ये आपके पास? जिस लड़की को वो राक्षस अपहरण करके ले गया था ना, वो वेश्री जी से टकरा गई। वेश्री जी उसे घर ले गई, कुछ देर बाद वो गायब हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मिली तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसी घर में उन लोगों को ये लॉकेट मिला। वो लड़की वहां थी, इसका मतलब है कि जरूर वो राक्षस भी वहीं गया होगा, और वहीं उसने उसकी मेमोरी डिलीट की। इसका मतलब है हो सकता है कि यही राक्षस कील है। अगर यही राक्षस कील है तब तो फिर इसका कोई फायदा नहीं, कहें कि ये तो आधा है। आधी कील से भले ही हमें कोई फायदा नहीं होगा, पर उस राक्षस को जरूर नुकसान होगा, उसको इसकी जरूरत पड़ेगी। पर ये तो हमारे पास है। पंडित जी वो यहाँ ये कील लेने आएगा क्या? वो तो तब आएगा ना जब उसे पता चलेगा कि ये कील यहाँ पर है। अरे पंडित जी ये कील अचानक लालटेन की तरह जलने क्यों लगा? लगता है ये अपने यहाँ होने का राक्षस को इशारा कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वो राक्षस यहाँ आ जाएगा। अरे ये तो और जल रहा है। ये क्या हो रहा पंडित जी? पता नहीं, आई थिंक ये राक्षस को सिग्नल भेज रहा है। सिग्नल भेज रहा है? नहीं नहीं नहीं, छुपाओ छुपाओ पंडित जी, छुपाइए इसको जल्दी। ऐसा भी जल्दी छुपाओ, कहाँ छुपाना इसको भाई। हाँ God. लेकिन अगर उसे अभी तक पता चल गया हो तो? अब तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो मक्षिका, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ने को ऐसा खेलता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब हमारा मुन्ना भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बिना किसी खतरे के डर से। पिया मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, ट्रस्ट मी, मुन्ना बिना शक्तियों के ज्यादा सेफ है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से डर जा ही नहीं रहा। कहीं मुन्ना पर फिर से कोई खतरा आ गया तो? कहीं हमने मुन्ना की शक्तियाँ लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना, क्योंकि जिस तरह मुन्ना ने मोहना और मृतकों का मुकाबला किया था उससे साफ जाहिर है कि मुन्ने की शक्तियाँ कितनी स्पेशल हैं। लेकिन अब वो शक्तियाँ नहीं रही, इसका मतलब छोटा मोटा खतरा भी मुन्ने के लिए बहुत बड़ा होगा। पिया, लेकिन पापा ने कहा ना कि अब मुन्ने को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि खतरे की वजह शक्तियाँ थी जो अब नहीं है। मुन्ना बिल्कुल सेफ है। और अगर फिर भी कोई खतरा हुआ तो हम हैं ना, हम उसे हर खतरे से बचाएंगे। प्लीज प्लीज कोई मेरी बहन को बचाओ। मुन्ना! पिया जाओ, उसको बचाओ, मैं इसे हटाता हूँ। मैं तो धावन छू, फिर ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे? मुझे हो क्या गया है? क्या हो रहा है? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ये शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? रूपी, तो यही आ रहा है। क्या करें? छुप रहे हैं। लड़का कुछ नहीं होगा इससे, उसका तुमको भी पता है। रखो इसको अंदर। हाँ। तय खाना? नहीं, हम नहीं जाएंगे। साला वहीं खड़ा है, कहीं वो हमको ना खा जाए। हमको नहीं लगता ये दरवाजा वो राक्षस को रोक पाएगा। हम वाके छैल छबीले कंचे रीवा वंशी बनने चले थे। आज हम स्वर्गवासी बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस दरवाजे को मंत्र से बांधा गया है ताकि कोई भी काली शक्ति इस दरवाजे को खोल ना पाए। तो राक्षस भी इसे खोल नहीं पाएगा। अबे सावी, तुम मेरी बर्फ कहाँ बन गया?